क्या तुम ज़ैनब को लेके अभी भी परेशान हो? मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पागल मत बनो। मैं सच कह रहा हूँ, बेचारी की किस्मत कितनी खराब है। वो जैसे ही मेरी कार में बैठी उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। पता नहीं बेचारी पे क्या बीती होगी। मैंने उसके प्लान्स बर्बाद कर दिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने ही उसे वो कार दी थी सिर्फ उजान को नुकसान पहुंचाने के लिए। मुझे कैसे पता होगा कि वो उसी वक्त सड़क पर गई थी? निहान, जिस दिन पुलिस ने हमें अरेस्ट किया था उस दिन उसे एक नए जॉब का ऑफर मिला था। कैसा ऑफर? कोई एक नई कंपनी थी, उसी में फिल्म का। ठीक है फातिया, बताने के लिए शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं। इस साल हम फातिया की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। उसने ये बताने के लिए फोन किया था कि जो चेहरा हमें चाहिए वो उसे नहीं मिला है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये किस तरह का काम था? जो भी काम था उसे मिला नहीं। देखो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिस्टर हंदन मेरे हक में फैसला करते हैं तो वाकई में मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। मैं वेट करूंगा। मिस्टर एमिर का कॉल है। रुको रुको, यहाँ गाड़ी रोको। तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकते। मैं देख रहा हूँ कि आप वो चाहते हैं, लेकिन मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ। हम रजिस्ट्रेशन कब कर रहे हैं? मैं आपको ही कॉल कर रहा था। घर के लिए एक नया खरीददार आया है। तो क्या हुआ? लोगों को पता चला होगा कि ये मुझे चाहिए। नहीं यार, ये महाशय सच में खरीदना चाहते हैं। कौन? केमाल सोएदेर। मैंने अभी इनका ऑफर मिस्टर हंदान को बताया। मिस्टर हंदान को फिर से कॉल करो और कहो कि मैंने सारे ऑफर्स देखे हैं और अपना ऑफर बढ़ा लिया है। मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। मिस्टर एमिर ने अपनी कीमत बढ़ा दी है, ये बात मुझे मिस्टर हंदान को बतानी होगी। माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं। मुबारक इस नए घर के लिए। तो अब तुम्हें ये बात समझ में आई कि आखिर मुझे ये घर क्यों चाहिए? घर के मालिक को नीचे बुलाओ। मिस्टर विल्दाल या मिस्टर जो भी हो, दोनों को। क्या तुम उन्हें बाहर बुला सकते हो? अभी वो घर पर ही हैं, आप चाहे तो अंदर जा सकती हैं। मैं एक कदम भी नहीं हिलूंगी यहाँ से। अंदर जाकर उन्हें बुला कर लाओ। जाओ। ठीक है, रुकिए। लैला आई है। बाहर दरवाजे पर कोई मिलने आया है। कौन? लैला नाम बताया है। अब तुम खुश हो मुझे यहाँ तुम्हारे पास बुलाकर? सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। लैला, तुम यहाँ? तुम किसी बात से परेशान हो क्या? नहीं, मगर अब मुझे जाना चाहिए, मुझे वर्कशॉप में जाना है। ठीक है, आराम से जाना।
जिस व्यक्ति को आप कॉल करना चाहते हैं वो संपर्क क्षेत्र से बाहर है। आखिर ये हो कैसे सकता है? बोलो क्या बोलना चाहती हो और फिर जाओ यहाँ से। तुमने 30 साल पहले मेरा भविष्य मांगा था, मैंने मना नहीं किया और तुम्हें दे दिया, पर अब मैं तुम्हें अपना बीता हुआ कल नहीं दूंगी, ना तुम उसके लायक हो। वो भविष्य कभी तुम्हारा था ही नहीं लैला, मगर वो घर मेरा भी पास्ट है, मुझे इसके लिए पूछने का हर अधिकार है और इसे खरीदने का भी। मैं तुम्हें अपना घर नहीं दूंगी विल्दान, तुम ये जान लो, अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुमने क्या कर दिया विल्दान? तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेला, हाथ मत लगाओ। लेला सुनो, तुम मेरी दूर रहो। मैं आपके जवाब का वेट करूंगा। जी बिल्कुल, मैं जल्द से जल्द आपके पास वापस आऊंगा। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं। कहीं वो लेला तो नहीं? पता लगाना होगा। हेलो, हाय, मैं निहान बात कर रही हूँ। मैं फातिह से बात कर सकती हूँ क्या? हाँ, अच्छा मैं देखती हूँ, वो वापस कब आएंगे? नहीं नहीं, मैं उनके पास पहुँच जाऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय। ठीक है। हेलो, हाँ मैं बात कर रही हूँ। हाँ मैं सुन रही हूँ। डार्लिंग। लैला, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ जानना था कि आप कैसी हैं और कहाँ हैं इस वक्त। मैं बाहर हूँ डार्लिंग, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मेरे हाथ में अभी बहुत सामान है, बाद में कॉल करूँ? ठीक है, गुड बाय। ठीक है। क्या हुआ कैमल? वो बिजी है, ठीक से बात नहीं हो पाई। बेशक, मैं खुशी में इसका ध्यान रखूंगी। मगर मैं आजकल थोड़ा व्यस्त हूँ, मगर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। हाँ हाँ, मुझे पता है। ठीक है ठीक है, तो फिर मैं आपसे 1 घंटे में बीच पर मिलती हूँ। गुड बाय। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम उसे बाद में फोन करना और पूछ लेना, उसे ऐसा ना लगे कि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। वैसे गार्डन काफी बड़ा है, उसमें हम बारबेक्यू कर सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि जब फिश बारबेक्यू करूंगा तो कितना मजा आएगा, है ना? हे, संभाल के। तुम ठीक हो ना? केमाल? अब मैं तुम्हें देख नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तो बस डर गई, एकदम से तुम मेरे सामने आ गए। तुम भी पता नहीं कहाँ से सामने आ गई। क्या मैं गलत गाड़ी चला रही थी? नहीं, मैं तो बिल्कुल मेन रोड से जा रहा था, तुम अचानक सामने आ गई। तुम मेन रोड से सामने आ रहे थे और तुमने सामने देखा भी नहीं। हाँ तो तुम भी तो रोड पर नहीं देख रही थी ना। पर मैं इस रोड से रोज निकलती हूँ। हाँ, तुम अकेली नहीं हो जो इस रास्ते से रोज जाती हो। नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरा मतलब इस रोड से ज्यादा कोई नहीं निकलता है, खास करके तुम।
कभी नहीं निकले यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब मेरे घर के सामने? लैला? क्या लैला? लैला ने तुम्हें यहाँ भेजा है? अच्छा, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ। अब मुझे क्या पता? I'm sorry ये जो हुआ उसके लिए। केमाल, तुम मेरे मॉम डैड के पास गए थे क्या? नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता विल्दान, बताओ मुझे। मुझे वही चाहिए जिसकी मैं हकदार हूं। तुमने वो हक 30 साल पहले ही छोड़ दिया था, याद है? लैला अब उस घर में रहती है, वो वहां रहती है, तुमने उसे वो घर दे दिया था, और इसके अलावा तुम उससे दोबारा वो घर मांग रही हो, समझ नहीं आ रहा। तुम जितना उसके बारे में ऐसे बात करोगे, मैं उतना उसे नफरत करूंगी। मुझे वो घर चाहिए। शर्म आती है मुझे तुम पर विल्दान, शर्म आती है तुम पर। तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर चुकी है। बिना एहसास के इतने साल मैंने तुम्हारे साथ गुजार लिए। तुम्हें अब पछतावा हो रहा है 30 साल के बाद? बहुत लेट हो गया है विल्दान। तुम उस बात को अब छोड़ दोगी? तुम उस औरत को अकेला छोड़ दोगी? कभी नहीं। तुम उस घर को अकेला छोड़ दोगी? तुम भी उसका साथ दे रहे हो? उसने दो बातें क्या कर दी, तुम्हारा दिल पिघल गया? तुम अब एक तरफ हो रही हो विल्दान, तुम इस बात को युद्ध में बदल रही हो। नहीं, तुम कर रहे हो। तुमने ये लड़ाई शुरू की जिस दिन तुम उसके घर गए थे। तुमने लड़ाई शुरू की 30 साल के बाद भी। खुश हो तुम अब विल्दान? तुम उस औरत को अकेला छोड़ दोगी? हमने पहले ही अपने हिस्से से ज्यादा ले लिया है। चलो उसको शांति दे दो अब। मैं गलत टाइम पे आ गया क्या? कुछ नहीं बेटा, कोई नया मेंबर बना है क्लब का। तुम्हारे पापा मुझसे कहते कि उसे अकेला छोड़ दो। तुमने घर पे फोन करके देख तो लिया, मुझे नहीं लगता वो घर पे है। लेडीज का कोई भरोसा नहीं, कभी भी शॉपिंग करने निकल जाती हैं। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। केमाल, जब तुम इतनी दूर तक आ ही गए हो तो जाओ जाके अपने घर वालों से भी मिल लो। साले तारिक, अब हम बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, हुसैन, हुसैन मेरी बात सुनो। जाने दो ये सब, एक हफ्ता हो चुका है, खत्म करो अभी से। हाँ हुसैन, देखो गुस्सा शांत करो, मैं केमाल को बुला रही हूँ, जब वो आ जाए तो तुम उससे अच्छे से बात करोगे, ठीक है? आपके केमाल ने आपको याद किया? याद करने का दिखावा भी नहीं किया। हुसैन ऐसा मत करो, वो तुमसे डरता है। बात हुई उसकी आपसे? उसको अपने पापा को फोन करना चाहिए था। तारिक, मैं आ रहा हूं पापा। हाँ रुको रुको। क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? पापा अब तो एक हफ्ता हो गया है, अब मैं जा सकती हूँ? किसी ने एक हफ्ते के लिए तो नहीं बोला था जनाब? तुम्हें सजा मिली है, सजा। मगर पापा क्या ये खत्म नहीं हो सकती? पापा
मैं आपसे ये पक्का वादा करती हूँ कि मैं उस लड़की के साथ कुछ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। इसके अलावा और क्या सुनना चाहते हैं आप मुझसे? मैं कसम खाती हूँ, मुझे समझ आ गया है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मान लो कि हमने उसे माफ कर दिया, लेकिन एजेंसी के बारे में क्या? जीनब, तुमने जो कुछ भी किया है उसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। देखो, अगर मुझे लगा कि तुम गलती समझ गई हो तो तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। मैं चलता हूँ। वेलकम बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। आओ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डैड। ये तुम्हारा भी घर है बेटा, अंदर जाओ। स्वागत है मेरे बच्चे, स्वागत है। आ जाओ, गर्मा गर्म चाय भी तैयार है। मैं ज्यादा देर नहीं रखूंगा, सिर्फ 2 मिनट। बिल्कुल नहीं, तुम्हें कुछ खाना भी होगा। तारिक, वेलकम भाई। तुमने तो मुझे बताया कि हमने घर खरीद लिया था, फिर ये इंजीनियर कहाँ से आया? मिस्टर स्वॉट तो अच्छा ही कह रहे थे, उस घर के लिए कोई और शक्तिशाली दावेदार नहीं था सर आपके अलावा। मुझसे ज्यादा ताकतवर दावेदार और कोई नहीं है, सिर्फ केमाल है वहाँ पर। हम जितनी जल्दी हो सके उसको बाहर कर देंगे सर। हम नहीं करेंगे, तुम करोगे, फिर उसके बाद सब कुछ मैं संभालूंगा। यकीन कीजिए, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। बड़ा आया मिस्टर एमिर से बात करने वाला। क्या हुआ, क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। क्या बात है, कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? देखिए सर, बहुत जरूरी बात है, मुझे सिर्फ मिस्टर एमिर से मिलना है। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। थैंक यू, आप लोग अब जा सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरे साथ आओ, थोड़ी देर यहां बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? इस्माइल है सर। इस्माइल, वाह अच्छा नाम है। मेरा नाम केमाल है, लेकिन तुम मुझे केमाल भाई बुला सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है भाई, जैसा आप बोलें। ठीक है, तुम मुझे बिंदास बता सकते हो क्या तकलीफ है? मिस्टर एमिर से किस बारे में बात करनी है? दरअसल हमारे मकान की हालत बहुत बुरी हो गई है, और वहाँ सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम सब की जिंदगी खतरे में आ गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? कॉस्गो की बिल्डिंग की बात कर रहे हो? जी हाँ भाई, उसी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। 2 महीने पहले का हादसा याद है आपको? नहीं। लिफ्ट गिरने की वजह से मेरे अब्बू घायल हो गए, उन्होंने दोनों पैर गंवा दिए। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे भाई। वो ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन हमारे नुकसान का क्या? उन्होंने पैर तो गवा दिए, हर दिन अब डर लगा रहता है कि वो हादसा कहीं हमारे साथ ना हो जाए। मैं तंग आ चुका हूँ भाई, इसलिए एमिर भाई से मिलने आ गया। मिस्टर एमिर भी तो इंसान है, मुझे लगा वो बात सुनेंगे, और मैं नहीं चाहता कि ये किसी और के साथ हो भाई। मेरे अब्बा अब काम नहीं कर सकते, हम सबकी मदद करो ना। मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है, वो आपकी परेशानी भुला देते हैं, खासकर जब वो अपनी बड़ी आंखों से आपको देख रहे होते हैं, जब आप उन्हें कुछ पढ़ा रही हो, है ना? आपको ये भी पता चलेगा कि ये गरीब बच्चे आपको कहीं ज़्यादा खुश कर देंगे। ये बच्चे इतनी ज़रूरत में है कि आप इन्हें जो भी देंगे वो खुश होंगे। मगर आप ये काम मुझे क्यों सौंप रही हैं? हम जानते हैं कि आप हमेशा समाज का भला ही चाहती हैं, हमें यकीन है कि आप संवेदनशील तरीके से काम करेंगी। ओके, आपका वक्त देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आई होप सब ठीक हो। गुड बाय।
एक्सक्यूज मी। जी मैम। क्या मुझे कॉफी मिल सकती है जल्दी से? बिल्कुल मैम, वही वाली। कोई भी चलेगी, जल्दी से ले आइए बस। अभी लाता हूँ। हाँ तुम बिल्कुल सही थी, मिस निहान ने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी डील के बारे में आगे किसी को नहीं बताती हैं, तो इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगी और हम आगे साथ में काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। एंजॉय मैम। ज़ैनब, जैसे ही तुम्हें ये मैसेज मिले प्लीज़ मुझे कॉल बैक करना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मिस्टर स्वाद से मैंने बात कर ली है, घर को लेकर वो जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, हमारी मदद वो ज़रूर करेंगे। तुम्हें लगता है? सौहेदर भाइयों के बारे में तुम्हें क्या लगता है तूफान? किस बारे में सर? जैसे बात कौन मानता है? क्या मिस्टर तारिक बिजनेस में वापस आएंगे? उन्होंने कहा वो नहीं करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स थी लेकिन वो कोशिश जरूर करेंगे। अब बस हम छोटे लोगों की छोटी प्रॉब्लम से निपटेंगे। मिस सौहेदर वो क्या कर रही हैं? वो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो उनकी सजा चल रही है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उन्हें बचाना है। चलो एक जवान लड़की के लिए हीरो बन जाते हैं। सर हमने पहले से ही शुरू कर दिया है। यानी पंछी अपना पिंजरा छोड़ रही है? नहीं मिसेस फहम, ऐसा मत कीजिए। आप उसे स्कूल और काम पर कैसे नहीं आने दे सकती? आप सही कह रही हैं, ये गलत है, गलत है मिस सेविन। पर अब मैं क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। कुछ भी हो वो उसके पापा है। जाओ और चाय ले आओ ना जीना। शुक्रिया मगर मुझे अभी निकलना है। कोशिश करके इसके पापा से बात कीजिए और उन्हें मनाइए। मैं निश्चित रूप से इंटर्नशिप पर ज़ैनब को देखना चाहती हूँ। जी ये तो उसका काम है, वो जरूर करेगी। मेरा मतलब बस कुछ ही दिनों की बात है। मुझे आप पर विश्वास है, आप परेशान ना हो। आप फिर से आइएगा। अरे मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही है जो मेरे लिए इतनी दूर तक आई। गुड बाय मैम, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें कल मिलती हूँ ज़ैनब। मिलते हैं, उम्मीद करती हूँ। हेलो मिस्टर तूफान। हाँ मिस सेविन, कहिए। मैंने अभी ज़ैनब के परिवार से बात की है। क्या तुम उन्हें मना पाई? हाँ हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है, उसकी सजा जल्द ही खत्म हो जाएगी, वो इंटर्नशिप पर आएगी। छोटी बच्ची अपने पिंजरे से निकल रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उसे वहां समझाया था। अरे चाय आ गई, सबको दे दो। ये लीजिए। मेरी कॉफी का क्या बे? मैंने उससे कहा कि एक कसाई की दुकान वहाँ अच्छे से नहीं चलेगी, 3 महीने में दिवालिया हो जाएगा। क्या हुआ, ये 3 महीने में दिवालिया हो गया है? यही बात तो वो बिजनेस करते वक्त समझेंगे। माफ करना भाई, मैं अभी आया। हाँ मिस्टर रमीर। कैसे हो तारिक? मुझे अभी पता चला कि तुमने काम छोड़ दिया है। हाँ मुझे जरूरत तो है। मैंने अपनी वजह मिस्टर तूफान को बता दी। हाँ तूफान ने मुझे बताया, वो तुम्हें नहीं समझा सकता। नहीं नहीं नहीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने जो किया वो ठीक किया। तुम अभी के अभी कंपनी आ जाओ, हम बात करते हैं। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, अब मुझे नए नाई को ढूंढने के लिए मजबूर मत करो, समझे? आपने मेरा इतना ध्यान रखा और मुझे बुलाया, मैं जरूर आऊंगा, शुक्रिया। तारिक, क्लाइंट वेट कर रहा है और तुम यहाँ फोन पर बात कर रहे हो। मैं आ रहा हूँ ना पापा, आ रहा हूँ मैं।
कम से कम दूसरों को मेरी ज्यादा फिक्र है। इससे तो कुछ बोलना ही बेकार है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना भाई? नहीं लगा। इंजीनियर से कब मिलना है? एक घंटे बाद मिलना है सर। ये बहुत ही अच्छा संजोग होने वाला है। इस्माइल, मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। दरअसल मिस्टर एमिर और मैं अलग अलग जगह पर काम करते हैं, मगर तुम्हारे लिए जो हो सकता है मैं वो करूंगा। देखिए, आज आपके पास वक्त है तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, हो सकता है कल वक्त ना हो तो बात नहीं करेंगे। इस्माइल, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। अब सिर्फ आप पर भरोसा है भाई। क्या मिस्टर मेरे अंदर हैं? हाँ, अंदर हैं। अरे तुम तो जल्दी आ गए, मुझे कुछ और लोगों से मिलना है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। क्या बात है? मेरी चीजों पर तुम्हारी नजर हमेशा रहती है, अब किस चीज पर नजर है तुम्हारी? अगर मैं उन पर अपना हक जताऊं तो क्या तुम उनके पास रहोगे मिस्टर एमिर? मेरी अभी कॉस्गो रेसिडेंस में रहने वाले से बात हुई, वो तुमसे अंदर आकर मिलना चाहता था लेकिन तुमने उसे अंदर भी नहीं आने दिया। और उसने बताया कि बनाते वक्त कुछ लापरवाहियां बरती गई है जिससे उसे खतरा है। उन सारे बिल्डिंग बनाने वाले लोगों को इससे पहले भी हादसा हुआ है लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और दिन ब दिन उनकी तकलीफें बढ़ती जा रही है। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? क्या मतलब है? मैं बेचारे काम करने वाले लोगों की तकलीफों से अपना मुंह नहीं मोड़ सकता, समझ के तुम? तुम तो जन्नत में जाओगे। अगर वहां पर हालात नहीं सुधरे तो ऐसे हादसे होते रहेंगे, उनकी जिंदगी से मत खेलो। मेरी साइट में सब कुछ रूल के हिसाब से चलता है, काम करने वालों को हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है। अगर इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है तो सीधा मीटिंग में मिलते हैं। इतने अच्छे मौसम में साफ सफाई कर रही हो, मिलान कैसा है? अच्छा है। क्या तुमने अपने विचारों के बारे में कुछ किया? निहान प्लीज यहां बैठ जाओ, मैं कसम से बोल रही हूं मुझे चक्कर आ रहे हैं। सुनो निशान, इसमें छुपाने वाली क्या बात है मुझे बताओ तो, मैं जरूर समझूंगी। यहां आने से पहले मैंने सोशल सर्विस करने की ठानी थी। अच्छा, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तुम मुझे अपने प्यार, जुनून और इच्छा के बारे में बताओ ना। मगर काम, तुम केमाल के बारे में भूल गई हो है ना? तुम दूर जाना चाहती थी मगर ये बिल्कुल भी काम नहीं आया। वो अब भी तुम्हारे दिमाग में है। असल में ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर कैसा है? एमिर को पता है, मुझे लगता है केमाल के बारे में उसे सब पता चल गया। और ये कहां से आ गया? हेलो, क्या मिस्टर ऑन्डर आ गए? अच्छा ठीक है, जब भी वो आए मुझे बता देना। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त नेटवर्क से बाहर है। लैला कहाँ है? आप कहाँ चली गई? मैंने उसे अपनी जिंदगी से 30 साल पहले दूर कर दिया था। मैंने सब नजरअंदाज किया जो 30 साल पहले हुआ। क्या यह आसान था मेरे लिए?
जब भी मैंने अपना सर तकिए पर रखा, सोचा कहीं मैं मर ना जाऊं। मैं यहां भाग आई माँ, आपको पता है मैं आपके पास आई हूँ। मैं अपनी बहन के विश्वासघात से लड़ती रही हूँ। वो अभी मेरे साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है माँ? उसने 30 साल तक ना मेरा चेहरा देखा ना ही मेरी आवाज सुनी, अभी तक अपने गुस्से को कम नहीं कर पाई है। मैं उसे अपना घर हर हाल में नहीं दूंगी। इस घर में मेरे बचपन की यादें हैं। ये आपका घर है, ये घर मेरे पापा का है, मेरा अतीत है। माँ, मैं उसे ये घर कैसे दे दूँ? क्या करूँ? मैं मर जाऊंगी लेकिन उसे वो घर नहीं दूंगी। विल्दान ने उस अतीत को पूरी तरह से बदल दिया है। अब ये उसका नहीं है माँ, उसका नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं उसे वो नहीं दूंगी। अगर एमएस सच में जैनब को नौकरी देता है तो ये बात मैं फतेह से पता कर सकती थी। तुम्हें ये लगता है वो तुम्हें बताएगा निहान? इसके अलावा वो एमिर को भी बताएगा। क्या तुम पागल हो गई हो? समझती क्यों नहीं हो? मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ तुम उस तक नहीं पहुंची। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं पूरी तरह से श्योर हूं। मैं ये कैसे पूछ सकती हूँ केमाल से? शायद सिर्फ ये मुझे ही परेशान कर रहा है। मेरा मतलब, सच तो ये है कि एमिर हमारे बारे में जान गया है और इससे मैं अपने भाई को परेशानी में नहीं डाल सकती। देखो, मुझे तो बस यही लगता है कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं ये सब ठीक नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता ये सच है? निहान, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी और तुम उन्हें बता देना। अगर कुछ उम्मीद हो तो बस छोटी सी कोशिश है और तलाक कर लो जाने मन। तुम पूरी तरह से किसी और से प्यार करती हो। इसमें अब कोई नई बात नहीं है। मेरी और एमिर की शादी खराब हो चुकी है। केमाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इससे पहले केमाल नहीं था तो मैं वैसे ही रहती जैसे वो नहीं है। तो अब तुम खुद को धोखा दोगी? करना ही होगा। निहान, इस तरह मत करो। अगर तुम एमिर से प्यार नहीं करती, ऐसी शादी से तुम्हारी क्या तुलना होनी चाहिए? यास्मिन, एमिर से मेरी शादी प्यार से ज्यादा एक सौदा था। मैं केमाल से दूर रहूंगी। मुझे लगता है अगर मैं उसे नहीं देखूंगी तो कंफ्यूज नहीं रहूंगी। अब बस यही एक तरीका है मुझे खुद को संभालने का, ऐसे जैसे कि केमाल कभी था ही नहीं। Thank you.
तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हें भी अभी बजना था। उजान, हाय। नहीं हो गए ओजान, यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था। यहाँ नहीं आना चाहिए था। मन कर रहा था तो क्या करता? तुम्हें घर कैसे मिला? ये ऐप जिंदाबाद। फिक्र की कोई बात नहीं है ओजान, अब तुमने मुझे परेशान कर दिया बस इतना। मैं तो बस ये देखने आया था तुम खुश हो या नहीं। देखो ओजान, मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। उन्होंने मुझे एक हफ्ते से घर से निकलने भी नहीं दिया। अगर अब किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो मुझे जिंदगी भर नहीं निकलने देंगे। चलो अब जाओ यहाँ से। ज़ैनब, क्या हुआ? तुम केमाल और निहान के बारे में सब कुछ जानती थी, फिर भी मुझसे मिलने क्यों आई? हम एक ऐसे रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी नींव का कुछ अता पता ही नहीं। उजान, जाओ यहाँ से, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। उन्होंने मेरा फोन ले लिया है। मुझे जैसे ही फोन वापस मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है, मुझे फोन करना। बिल्कुल, मैं फोन करूंगी, अब जा। क्या कर रहा है यहाँ? हाँ, अब आप कौन है मैं नहीं जानता। मैं तेरी मौत हो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, समझा? अगर तू ज़ैनब से दोबारा मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ज़ैनब से क्यों नहीं मिल सकता? दोबारा ज़ैनब का नाम लिया तो तेरी ज़बान खींच लूंगा। चल निकल यहाँ से, अमीर घर का पिल्ला। हम आपके फैसले का इंतजार करेंगे। मुझे तो सभी प्रेजेंटेशंस अच्छी लगी। प्रेजेंटेशन काफी अच्छे थे। हम थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं, कंसल्टिंग कंपनी जरूरी है, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्हें सबसे बेस्ट लोगों में से चुना गया है। कांग्रेचुलेशंस। अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है। पहली बार बिना किसी बहस के हमने मीटिंग पूरी की है और ऊपर से मेरी भी तारीफ की। एक बात तो मैं कह सकता हूँ, तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा होगा, मुझे पूरा यकीन है। नहीं, अभी से कुछ नहीं बोल सकते। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो सब कुछ सही चलेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। मिस्टर गालिब, आज ऑफिस में कुछ हुआ है जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तुम कभी चुप नहीं रहोगे ना? लोगों की जान की बात होगी तो कभी नहीं। आखिर बात क्या है?
मिस्टर खेमाल घबरा रहे हैं। मैंने उनसे कहा है कि हमारी बिल्डिंग साइट में सेफ्टी की कोई कमी नहीं है। चिंता मत करो, मैं रोज उसका मुआयना करता रहूंगा। उसका मुआयना नहीं, अपने आप का करो। देखो, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो और कुछ नहीं। आप मेरी बात सुनिए, मुझे आपके आइडियाज बहुत पसंद हैं और हम हर किसी के साथ बिजनेस नहीं करते, हम आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत अलग हैं। इससे हम दोनों को फायदा होगा। मैंने जो सुना मैं उसे अनसुना नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उससे फायदा नहीं मिलेगा। एक मिनट, आपने ये बात खुद कही थी कि अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट ना हो तो आप वो काम नहीं करते, इसलिए आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। एमिर को समझना थोड़ा मुश्किल है, उसे हम दूर रखते हैं। इस्माइल भाई, मैंने उनसे बात कर ली है लेकिन मुझे कुछ खास जवाब नहीं मिला। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम का हल नहीं है, लेकिन तुम संभल कर रहना, सतर्क रहना एकदम। ठीक है भाई, मैं समझ गया, लेकिन अब हम क्या करें? देखो, अगर तुम काम नहीं कर सकते तो मत करो, ये तुम्हारा अधिकार है, और जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो, शर्माना मत। भाई, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने कहा ना, मैंने मना कर दिया था, लेकिन मुझे फिर से बुला लिया गया। मैं क्या करता बताओ ना मुझे। भाई मेरी बात मानो, उस आदमी को कुछ मत समझाओ, यहां मत खड़े रहो मेरे साथ। एक मिनट रुक जाओ, अंदर आ जाओ, मैं बाद में मिलता हूं तुमसे। यहां इंसान के जिंदगी का सवाल है, समझे तुम? थोड़ा बहुत मैं संभाल लूंगा। बैठो। तो बताओ, तुम्हारे अलग होने का क्या कारण है? हाँ, ऐसे समझे कि जो होना था वो हो चुका है मिस्टर एमएल। क्यों? हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी, हम ऐसी चीजों से लड़ नहीं सकते। ज़ेनफ वाला किस्सा बहुत है हमारे लिए, पापा ने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया था। तो फिर इसमें तुम्हारे और मेरे लिए क्या है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे देखो, इस कमरे में जो भी मेरे डैड का था वो सब मैंने ले लिया। पहले मुझे लड़ना पड़ा, अपने आप को साबित करना पड़ा कि मैं उनकी जगह ले सकता हूँ, अपनी पहचान बनाई, काबिल बनने की कीमत चुकाई। अगर तुम अपने पिता से लड़ नहीं सकते तो तुम जीत भी नहीं सकते, ये बात तुम समझ लो। अगर तुम्हें गाड़ी चाहिए या फिर इज्जत चाहिए या तुम्हें घर चाहिए, तो तुम्हें अपने से ज्यादा की मांग करनी चाहिए, जितना है उससे ज्यादा, तो ही तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो एक आम आदमी की तरह वहीं के वहीं रह जाओगे। मैं सिर्फ एक नाई हूं, क्या फर्क पड़ता अगर मैं खुश नहीं हूं तो? बड़ा सोचो, अपनी खुद की दुकान खोलो। कैसे? मुझे नहीं पता, तुम सोचो। जो तुम पर भरोसा करते हैं तुम्हें उधार दे सकते हैं, जैसे कि मैं। ठीक है, मगर तुम मेरे लिए इतना क्यों करोगे? तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। जितना तुम्हें लगता है उससे कई ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। तुम इसके बारे में सोचो, मगर पहले तुम खुद के बारे में सोचो। सब यही करते हैं। निहान। क्या हुआ? क्या तुमने मेन स्पॉन्सर के बारे में पूछा कि वो कौन है? नहीं।
केमाल की कंपनी? मुझे नहीं लगता कि तुम उसे नजरअंदाज कर पाओगी, क्योंकि उसने तो कर दिया। हाँ बोलिए। मिस्टर ऑन्डर आए हैं सर। ठीक है, अंदर भेजिए उन्हें। क्या ये तुम्हारा कमरा है? हम्म, क्या बात है, तुम्हारी तो निकल पड़ी। तुम वाकई में बहुत बड़े आदमी हो भाई। तुम भी ना। मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, जो देख रहा हूँ मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। भाई मैं सिर्फ प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए आया हूँ, ये सिर्फ अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं है ये भाई। ओ, तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? शायद तुम्हें सच में मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। हम्म, तुम अभी मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगे हो, क्योंकि अब तुम ज्यादा दूर रहते हो। भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो जब मैं आया था तब भी तुम ऐसे ही बोल रहे थे, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों की रगों में एक ही खून है। केमाल, मुझे किसके साथ समस्या है बताओ? हम्म, तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कुर्सी तो मेरे पे बिल्कुल नहीं जचती मेरे लिए है ही नहीं आओ भाई, चलो हम दोनों डैड के पास चलते हैं। चलो दोनों भाई बाहर चल के कोई अच्छी जगह पर पीते हैं, खूब सारी बातें करेंगे, दोनों का दिल हल्का करेंगे। आओ चलते हैं। केमाल बस 2 मिनट के लिए शांति दे दो, तुम्हें नहीं लगता आजकल हम कुछ ज्यादा ही दुखी हैं? हाँ बताओ मुझे, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं तुम्हें? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब से तुम आए हो केमाल, हमारी शांति खत्म हो चुकी है। क्या मैं गलत हूं बताओ मुझे? जब तुम उस कुर्सी पर बैठोगे तो सोचना कि तुम अपने विरोध में किसे रखोगे। हम तो अब ऊब चुके हैं, वो आदमी मुझे उसके पास जॉब ऑफर कर रहा है, मैं तो बस पापा की दिक्कतें कम करना चाहता हूं। खैर हमारे लिए कहानी तो वही रहेगी आखिर। सुनो भाई वैसा नहीं है, देखो डैड तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, तुम उनके पहले बच्चे हो। हाँ उनका पहला बच्चा, मतलब किसी पहली दर्द की तरह, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। देखो और सुनो, तुम्हें पता है उस परिवार में मैं मुखिया बनने के लिए काफी नहीं हूं, मगर तुम काफी हो। भाई बहुत हो गया, बस हो गया अभी, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों आप इतना गुस्सा है आखिर, क्यों? केमाल तुम सुन नहीं रहे हो, मैं अपना बिजनेस क्यों नहीं कर सकता हूँ? मेरे पास सिर्फ एक कैची की जोड़ी है और मैं तुमसे और पापा से पूछ के थोड़ी ना मैं मेरा काम करूंगा। सुनो भाई, उस आदमी की नीयत अच्छी नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। ये एक और चीज है जो मुझे बोर करना शुरू कर देती है, ये मुद्दा हमें या तो परेशान करता है या हमें बहुत ज्यादा दुखी कर देता है। केमाल तुम सच में मेरी कभी भी बात नहीं मानते, आओ और तुम्हारी कुर्सी पर बैठो और अपना काम करो, सच में यहां आओ, आओ। आगे से हम खुद का ध्यान रख लेंगे केमाल। तुम क्या कर रही हो निहान? मैंने तुम्हारा फोन उठाया सिर्फ एक ही बात कहने के लिए। तो तुम चाहते हो कि मैं कोई उम्मीद ना रखूं? बताओ तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो बताओ? क्या कह रही हो तुम? क्या तुमने अपने लोगों से मेरे जॉब की बात करी है? मैं चैरिटी वर्क बंद नहीं कर सकती। क्या कह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा। केमाल अपना एटीट्यूड कम करो प्लीज, प्रोजेक्ट के मेन स्पॉन्सर तुम हो। नहीं तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ओके हेलो हेलो केमाल, तुमने मेरी बात का सही से जवाब नहीं दिया है, बताओ तुमने फोन क्यों उठाया? निहान बाहर जाओ। क्या? निहान बाहर जाकर रोड की तरफ का दरवाजा खोलो। अच्छा
तो बताओ यहाँ क्या है? क्या तुम वहां पार्क की हुई कार को देख रही हो? बहुत सारे हैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। क्या तुम्हें वो कार दिख रही है जिसमें तीन लोग बैठे हैं और जो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं? वन मिनट, तुम ये बात कैसे जानते हो? ठीक है, तुम जल्दी अंदर जाओ, उन्हें मत देखो। मुझे लगा तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए, शायद तुम कुछ हल निकाल लो। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। ऐसा किसने किया तुम्हें पता है? तुम्हारा पति अमीर कॉस्को, वो तुम पर नजर रख रहा है। अगर ये हम दोनों का पीछा कर रहा हो तो इसका ये मतलब है कि उसे हम दोनों पर शक है। अरे सॉरी भाई, मैं कॉल करना ही भूल गया। इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। मुझे एक जरूरी बात कहनी। नवजात, मैं आज तक किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाया। विल्डन को कुछ भी पता नहीं है और उसे अभी कुछ पता भी नहीं होना चाहिए, मगर मुझे कुछ करना है। देखिए, उसके खिलाफ कुछ भी ढूंढ पाना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी संपत्ति उसके फादर इन लॉ से उसे मिली है। ये काम बहुत मुश्किल है। नवजात, तुम कुछ पता लगा लोगे। मैं नहीं चाहता कि लैला को तकलीफ उठानी पड़े। मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, पूरे केस को समझने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। अगर बीच में कुछ चेंजेस आते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है, चलेगा नवजात। कम इन। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको कॉल करूंगा। मैं आपको कॉल करूंगा नवजात। थैंक यू सो मच। हाँ कहो, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने आज आपको लैला के साथ देखा। लैला आपके घर से जा रही थी, उसके बाद आप उसका पीछा कर रहे थे। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो आखिर? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि हमारा पीछा करना बंद करो? मैं तुम्हें आखिर बार बोल देता हूं कि हमारे अतीत को मत छुओ, हमारे लिए अतीत मर चुका है। अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, इसीलिए हमें अकेला छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो। हाँ, मगर मैं डर गया था। तुम हमारे बीच कुछ नहीं पता लगा सकते। ये हमारी आपसी निजी बात है, समझ गए तुम? बस खत्म। लैला के साथ आखिर आपका क्या रिश्ता हो सकता है? लैला से तुम दूर रहोगे। आप संपर्क करना चाहते हैं ऐसा लगता है कि पिछली बार से यह हमेशा के लिए हो गया है। चलो फिर इसे जीतते हैं।
निहान सुनो, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? मिस निहान, थैंक्स। बुरा ना माने तो अकेले में बात कर सकते हैं। मुझे कुछ काम करना है, वैसे भी मैं तुम्हें फोन करूंगी। आप बहुत लकी हैं, मैं बहुत अकेला फील करती हूँ इस्तांबुल में। आप जानती हैं केमाल बहुत बिजी रहते हैं। मिस आसू, अगर आप बुरा ना माने तो हम सिर्फ काम की बात कर सकते हैं। ओलिव ब्रांच के बारे में बात करते हैं। आपने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया तो मुझे लगा आपने ब्रांच को भी किया है, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं है। क्या आप चाहती थी कि मैं प्रोजेक्ट चलाऊं? बिल्कुल। आप इतनी हैरान क्यों हैं? जब आप यहाँ आखिरी बार आई थी तब आपको मेरे सॉल्यूशंस पे भरोसा नहीं था। ये सब पुरानी बातें हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों? मुझे शायद पहले ही बता देना चाहिए था कि कुछ सैंक्शंस होंगे। अब आप फिर से मेरी बॉस हो गई हैं और आप मुझे नीचा दिखाती रहती हैं, क्योंकि आप केमाल से जलती हैं। नहीं तो फिर शायद इसकी वजह है केमाल के साथ आपका अतीत। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मेरा मतलब है कि अतीत तो अतीत में है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, ना ही केमाल को। मेरा यकीन कीजिए, हम कभी इसकी बात ही नहीं करते। इसे एक मौका समझिए हमारे बीच की टेंशन खत्म करने का। मुझे उस दोस्त के साथ कॉफी पीना कभी बुरा नहीं लगता जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। मैं सासू, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सासू, बल्कि हम तो एक नए प्रोजेक्ट पे साथ में काम करने वाले हैं। थैंक यू, मैं इस खुशी को कभी कम नहीं होने दूंगी। तो मैं भी कैसे होने दूंगी? केमाल ने जब आपको निकाला मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि आप इसकी वजह मुझे समझती होंगी। मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए था जिससे हमारे बीच जो हालात हुए उन्हें संभाला जा सके, मगर मुझे आपकी तरफ से डर था कि कहीं आप हाथ वापस ना खींच लें ये पता चलने पर कि मैं भी इस प्रोजेक्ट में हूँ। ये मायने रखता है कि मैं ये काम किसके लिए कर रही हूँ, समझे? ना कि ये कि किसके लिए कर रही हूँ। तुमने यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ अपना समय खराब किया है। क्या हुआ? हमें अभी भी वही जवाब मिल रहा है सर। अगर ज्यादा मांग रहे हैं तो ज्यादा दो। वो घर केमाल सौदार का नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। जाओ। इसका मतलब होगा कि आपने मुझे घर ही नहीं बल्कि एक किला भी दिया है, एक ऐसा किला जो मेरी जिंदगी में बस मुश्किलें पढ़ाएगा। मिस्टर स्वाथ, क्या हुआ? मुझे लगता है कि आप अभी भी दूसरे ऑफर्स के बारे में सोच रहे हैं। वो घर मेरा है। गुड लक।
मैं तुम्हें समझाने आई थी। मेरे पास बहुत काम है। आज तुम बहुत तनाव में थे। हाँ था। मुझे थोड़ा शांत होने की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चलो चलते हैं। जरूरत नहीं है। क्या हुआ? पता है मैंने आपको कितनी बार कॉल लगाया? पहले आपने कहा कि आप शॉपिंग कर रही हैं, उसके बाद आपका फोन ऑफ हो गया। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे लगता है बैटरी खत्म हो गई थी। मोबाइल मेरे बैग में था, उसे बाहर नहीं निकाला तो देखा नहीं। लैला, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं आपको जानता भी हूँ। क्या बात कर रहे हो केमाल, मुझे तुमसे अच्छा और कौन जानता है। मैंने आज आपको निहान के घर से जाते हुए देखा। ऑनडर आपके पीछे भाग रहे थे। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो ना? आप दोनों का अलग सा रिश्ता भी है जो मैं नहीं जानता। आपने मुझसे ये बात छुपा कर रखी है। आप मेरी दोस्त हो, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा दूसरा परिवार हो। आपने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया लैला? आखिर आप है कौन लैला? क्या मैं आपको जानता भी हूं? निहान मेरी भांजी है। उसकी मां मेरी सगी बहन है। क्या तुम इन दिनों निहान के साथ काम कर रहे हो? निकलो यहाँ से। उदास मत हो डार्लिंग, काम पहले से ही बहुत थकावट वाला है। अगर निहान तुम्हें घर पर मेरी वजह से उदास करे तो... मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। जाओ! तुझे मैं अपना पालतू बनाऊंगी। आप निहान को कब से जानती हैं? जब वो पहली बार आई थी। आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई लैला? ऐसी बात मैं तुम्हें कैसे बताती केमाल? फैसला नहीं कर पाई। मैंने कई बार कोशिश की मगर नहीं कर पाई। मेरा मतलब है मैं खुद से लड़ रही थी। मैं इसे नहीं फैला सकती हूँ। ऐसा नहीं करना था। मुझे देखो। मैंने कहा मुझे देखो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। सोचो इसके बारे में। मैंने आईने में देखा है अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद होते हुए। आपने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। वो आईने में मुंह देखने के लायक नहीं है। उनमें से एक तो मेरी बहन ही है और दूसरा वो इंसान जिससे मैं प्यार करती थी। फिर मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया हमेशा के लिए। मैंने कहा चलो भूल जाती हूँ, कुछ नहीं हुआ। फिर उनके बच्चों से मेरा सामना हुआ, निहान। मैं दोनों से बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा प्यार करती थी, फिर मैं ही उनसे दूर हो गई। मैंने दोनों से नफरत करने का बहुत सोचा, सच में मैं इस कोशिश को करते करते थक गई थी। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरी योग्यताएं सब निहान बनकर खड़ी थी, वो भी बिल्कुल मेरे सामने। क्या तुम्हें लगता है ये आसान है? वो सब जिन्हें मैंने श्राप दिया है, और वो भी हर दिन। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब समझे तुम, मैं उन्हें हर दिन श्राप देती हूं, वो तड़प तड़प के मरेंगे। What a pleasant surprise. मैं सरप्राइज ही देना चाहती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? पूछो। मैं समझा नहीं, क्या पूछना है? पूछो मुझसे जो भी पूछना है। क्या चल रहा है? तुम बताओ मुझे आमिर, तुम्हारे आदमी मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये बात कहां से आई? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं। मैं तुम्हारे चेहरे को बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूं। तो बताओ क्या लिखा है मेरे चेहरे पर? मेरे दिमाग में जो चल रहा है उसका जवाब दो। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। चिंता मत करो तुम, जबकि हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मगर ये सब तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों का सोचती हूं जिनसे मैं प्यार करती हूं। निहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मुझे जलन होती है। बिल्कुल नहीं आमिर, तुम मुझसे जलो मत, मेरी मदद करो। मैं तुमसे जलता हूं सभी चीजों से, सबसे। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, दिन ब दिन मैं तुमसे और प्यार करने लगा हूं। छोड़ दो, कभी नहीं। उनको मेरा पीछा करने से रोक दो, समझे तुम? डरो मत, और कोई रास्ता भी नहीं है। सिर्फ एक बार मुझे गलत साबित करके बताओ, सिर्फ एक बार। अपने आदमियों को समझा दो। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। आदमियों को निहान का पीछा करने से रोक दो। तुम वहां क्या कर रहे थे?
मैं वही उनके पास में घर खरीदना चाहता हूँ। मत लेना। पता है मैं हर रोज कितना तड़पा हूँ लैला, क्या मैं उनसे हिसाब भी बराबर नहीं कर सकता? वो दिलों के साथ खेलते हैं। उन्होंने मेरे साथ खिलवाड़ किया है लैला, जैसे आपके साथ किया था। वो लोग इस चीज में माहिर है। मेरा दिल बहुत दुखाया उन्होंने, मैं ये डिजर्व नहीं करता। मैं बदला लूंगा। ऐसा मत करो केमाल। उन्होंने मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ा। अब इस लड़ाई से मैं पीछा नहीं हटने वाला। मुझे एक मौका मिला है जिसका मैं अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। उसे बता दूंगा कि गरीब लोग कम नहीं होते और वो जो चाहे अपने पैसों से वो नहीं कर सकते। मैं रोकूंगा, बहुत हो गया हमारे साथ अन्याय। ऐसा जीने से तो मरना बेहतर है। ज़ेनब, तुम जैसे ही फ्री हो प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी कॉल करना, जरूरी बात है। मैं इंतजार करूंगी। हाँ भाई, आपको पता था कल मेरी सजा खत्म हो जाएगी? हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मैं उसी पर अभी काम कर रहा हूँ। उसकी जानकारी दी जाएगी तुम्हें। मेरे केमाल को अंडे के साथ पालक बहुत पसंद है। आप चिंता मत करो माँ, अगर उसका सच में खाने का मन करेगा तो वो मंगा के खा लेगा। ऐसा मत कहो बेटा, माँ के खाने की बात अलग होती है। अब क्या तुम किसी और के हाथ के बने हुए भरवा करेले खा लोगे? हाँ सच में आपका जवाब नहीं है। मैं उसे फोन करके कल के लिए बुला रही हूँ, तो कल हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। उसे भी तो याद आती होगी अपने बहन भाइयों की, जब दूर था तो बात अलग थी, है ना हुसैन? आप अपने बेटे को कुछ नहीं कह सकते, वो बस आता है और आपके हाथों को चूमता है, बस। हाँ यही तो होना चाहिए बेटा, और क्या करेगा वो? उसे उसके जहर से छुटकारा दिलाए। क्या कहा आपने, जहर? अगर वो मेरा बेटा है तो तुम्हारा भाई भी है। और मैं आपके लिए क्या हूं पापा? मैं अभी भी अपना काम नहीं कर पा रहा हूं, सिर्फ आपकी वजह से। सिर्फ आपके लिए मैंने एमिर की नौकरी छोड़ दी। आप जानते थे ना पापा, आप नहीं मान रहे थे। बेटा ऐसी बातें नहीं करते। वो पहले से ही घर छोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने बस एक अवसर देखा और घर छोड़कर चला गया। लेकिन यहां पे सब ठीक ठाक चल रहा है ना? आखिरकार मैं भी इस घर में रह रहा हूं और आप भी इस घर में रह रहे, लेकिन मैं इस घर के लायक कभी नहीं बना। बेटा प्लीज ऐसा मत बोलो। सिर्फ एक बार पापा, सिर्फ एक बार मुझे एक मौका दे दो प्लीज, सिर्फ एक बार। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। पापा आपने मेरी पीठ कभी नहीं थपथपाई, आपने मेरी वाहवाही कभी नहीं की पापा, लेकिन केमाल की आपने बहुत वाहवाही की। थैंक यू वेरी मच, आज बहुत काम है। मजे करो। तुम भी। तो मुझे इन्हें दूर रखना चाहिए। हुसैन, हुसैन बराए मेहरबानी ऐसा मत करो। मैं क्या कर रहा हूँ फहीमे? ऐसे अनजान मत बनो, लड़का सही कह रहा है। वो नहीं है फहीमे, बस मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। वो या तो हमें उजाड़ देगा या फिर हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। और केमाल का क्या, क्या वो इम्तिहान नहीं ले रहा है?
केमाल कभी अपने भाई बहनों के साथ गलत नहीं करता। वो अपनी ही लगाई आग में जल रहा है और हम भी उसमें जल रहे हैं, जिसे रोक नहीं सकते। लेकिन तारिक बहुत अलग है। हुसैन, प्लीज ऐसा मत करो, अपने बेटे से बात करो। उससे किस बारे में बात करूं और कितनी बार बात करूं? क्या उसे ये बताऊं कि तुम अपने बाप को नीचा दिखाना चाहते हो, अच्छे बुरे की समझ नहीं है तुम्हें, जिंदगी भर इन लोगों के लिए मेहनत की है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम तुम्हें जिंदगी का आराम नहीं दे पाए, मगर हमें मत मारो बेटा। क्या बोलूं उससे मैं? उसे तो तुमने मन बना लिया? हाँ, मैंने मन बना लिया है मिस्टर अमिर। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में और फैसला लिया कि मैं यही काम करूंगा। बहुत अच्छे, सही फैसला किया। डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूं। क्या तुम जा सकते हो? मैं शराबियों का मनोरंजन नहीं कर सकती। मैं मजे के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारी कमी पूरी करने आया हूं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। तुम मेरी हो निया, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम मुझसे धीरे धीरे प्यार कर ही लोगी, तुम मुझसे प्यार करोगी निहान,
बहुत जल्दी। ये खाओ। क्या ये पनीर के साथ है? मैं भी पार्सले के बारे में नहीं भूली। पुरानी बातों को लेकर मत बैठो, जो बोलना चाहते हो बोल दो। आप कैसे संभाल लेती हो लैला? उन सबको नजरअंदाज कैसे करती थी जब वो सब तुम्हारे सामने होते थे? मैं दुआ करूंगी इसकी कोई तरकीब होगी तो, मगर ऐसा नहीं है तो मेहनत करो जैसे कर रहे हो। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं मजबूर हूं? तुम अभी पूरी तरह से उभरे नहीं हो। नेहान ने तुम्हारे दिल पर ऐसे घाव कर दिए थे जैसे टूटा हुआ कांच। तुम उसे छुपाकर खुद को ही तकलीफ दे रहे हो। अच्छा है, तुम्हारा रखवाला यहाँ है। सेल्समैन का फोन है। हाँ बोलो। मैंने देखा। हाँ मैंने देखा, उन्होंने वो घर कोस्गू को बेच दिया। क्या मतलब है नहीं बेच रहे? मैंने कहा था ना तुम्हें खरीदने के लिए। सर आपके पास आने से पहले मैंने उनसे फिर से एक बार बात की थी। डिक्शनरी में लेकिन शब्द नहीं है। अगर उन्हें पैसे चाहिए तो पैसे दो। उन्होंने कहा कि पैसों से कुछ नहीं किया जा सकता। उनको उस घर की कीमत से ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वो घर केमल ने खरीद लिया, उन्होंने वो उसे भी नहीं बेचा। तुम बस अपना काम करते रहो, कुछ भी करो लेकिन उन्हें मनाओ। मुझे वो घर निहान के लिए चाहिए। तुम्हारे लिए है। थैंक यू सो मच मम्मी। इतनी जल्दी खुश मत हो, खुश मत हो। मॉम, मैंने अपना सबक सीख लिया है आपकी कसम। मुझे पता है तुम हमसे परेशान हो सकता है थोड़ी गुस्सा भी हो, मगर हम कर रहे हैं जो भी तुम्हारे लिए कर सकते हैं। माँ बाप हमेशा बच्चे की रखवाली नहीं कर सकते, तुम्हें भी थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए। मालिक तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम्हें सही राह पर रखे, तुम्हें जिंदगी में गलत लोगों से ना मिलाए। ये सिर्फ हमारी सलाह है, समाना बहुत खराब है। मुझे पता है मॉम। अगर तुम्हें एक बार चोट लगती है तो हमें हजार गुना चोट लगती है। क्या तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे पास क्या खजाना है? उड़ो मत, ज्यादा मत उड़ो। मेरे शब्दों को ना दोहराओ, खुद का सबक सीख लो। अगर तुम ठीक हो तो हम भी ठीक हैं, वरना तुम खुद को और हमें भी बर्बाद कर दोगी। ठीक है मॉम। ठीक है, जाओ अपने पापा से मिल लो, उनका आशीर्वाद लो और उनके हाथ चूम लो। जाओ। मुझे आपके हाथ चूमने हैं पापा। मैं आपको वादा करती हूँ आपको फिर से उदास नहीं करूंगी। तुम जो चाहो वो करो मेरी बच्ची, लेकिन पहले तुम खुद से एक वादा करो कि फिर कभी हमारा विश्वास नहीं खोओगी। आप सही हैं पापा। स्कूल या इंटर्नशिप? किंडरगार्टन के, वहाँ इंटर्नशिप के लिए। गुड लक, ईश्वर करे तुम कामयाब हो। थैंक यू पापा। चलो बेटा। अच्छा मैं चलती हूँ। गुड बाय बेटा, ध्यान रखना। शाम को मिलते हैं भाई। एक मिनट रुको। अब तुम घर से स्कूल जाओगी और स्कूल से सीधा घर पे, ठीक है? तुम्हें एक सही मौका मिला है अपनी गलती सुधारने का, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। समझ गई ना? समझ गई मैं। मिलते हैं, अलविदा। अरे ये कोई घर नहीं है, एक कैद खाना है। अच्छा हुआ मैं यहाँ से छूट गई। क्या कह रही हूँ मैं, बल्कि मुझे इंटर्नशिप को थैंक यू कहना चाहिए। साली भाई मुझे माफ करना यार, मैं तुम्हें कॉल बैक नहीं कर पाया। कोई बात नहीं केमल, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, तुम कुछ बोलने वाले थे ना? तुम निहान के भाई को जानते हो ना? ओजान। वो जैनब के कुछ ज्यादा ही चक्कर लगाता है। तुम ये कैसे बोल सकते हो?
मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो देखा कि वो तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था। ज़ैनब के बारे में क्या? ज़ैनब तो वहां नहीं थी और मैंने उस लड़के को क्या हुआ? क्या हो सकता है? अब ये निहान का भाई ज़ैनब के पीछे पड़ा है, वो सभी हर जगह से हमला कर रहे हैं। आपने देखा ना सब कुछ, और आप मुझे रोकने के लिए बोल रही हैं। अगर मैं रुक गया तो वैमिर रुक जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता। नहीं, वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है, वो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेना चाहता है, आपका घर, मेरी जिंदगी, मेरे भाई बहन, सब कुछ। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ना तो मैं आपको यह घर देने दूंगा और ना ही मेरी जिंदगी। मैं एक बार उस कॉस्गो से हार चुका हूं, पर मैं दोबारा उससे नहीं हारूंगा। इसलिए तुम डिसिसिव हो, तुम मेरे बावजूद दूर नहीं रहोगे, इतना सब होने के बाद भी जो मैंने कल कहा था। और दूसरा रास्ता नहीं है लैला, प्लीज ये समझो, मेरे खिलाफ मत खड़ी रहो आप। तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? तभी तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या हुआ था। हाँ ठीक है, तुम्हें उनके बारे में पता चल गया है, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो बताओ क्या ऐसी ही बात है ना? अभी भी कुछ कहना है क्या ज़ैनब? वाह, अब तुमने तो बोल दिया है तो जरूरत ही नहीं, तुमने तो कह दिया बात खत्म। मुझे लगता है यही तुम्हारे प्यार का अंत। सुनो ज़ैनब, मेरे प्यार के बारे में गलत मत बोलो। क्या चल रहा है? बहुत बड़ी झूठी हो तुम, अपने प्यार में इस तरह नचाओगी मुझे, ये मैंने सोचा नहीं था। साले तुम किस बारे में बोल रहे हो? जैसे ही तुम्हें अमीर मुर्गा मिल गया, मेरे प्यार को पैरों तले रौंद दिया। मुझे पता नहीं था कि पैसों की तुम्हें इतनी भूख है। साले कितना बड़ा बेवकूफ था मैं, पर धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। तुम्हारा मुझे नजरअंदाज करना, तुमने सोचा जब तक कोई और नहीं मिल जाता यही सही है। नहीं नहीं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो गया हूँ मैं, तुम्हें अय्याशी भरी जिंदगी चाहिए। तुमने एक्टिंग का प्रोफेशन भी इसीलिए चुना ना, ताकि अमीरों के बीच रहो और उनकी तरह जिंदगी जियो, गलत तो नहीं कह रहा? पता नहीं था कि पैसों के आगे इंसान इस तरह बिक जाता है। ये गरीब के सच्चे प्यार की क्या औकात, वो चमकते हुए तारे को देख तो सकता है पर उसे पा नहीं सकता। हमें प्यार करने का कोई हक नहीं है। साले देखो, तुम मुझे बेकार में परेशान कर रहे हो। फालतू में, तुम्हारी खातिर मैंने अपने बचपन के दोस्त से झूठ बोला, ये बात मुझे हर रोज कचोटती है। तुम सच में मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो। हाँ ज़ैनब, सही कहा, मैं तुम्हारे साथ सही नहीं कर रहा हूँ। सही तो मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं कर रहा हूँ, जिनसे मैंने इजाजत ले ली थी कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैंने सच्चा प्यार किया है। मैंने अपनी शादी के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़े, पर मैं सही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एहसास नहीं था मैं कितने भी पैसे कमाऊँ तुम्हारे लिए कम होंगे। अगर तुम मुझसे सच कह देती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हारी कसम ज़ैनब, तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाता, पर ये जो दर्द है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पर तुमने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया, सिर्फ एक तुम्ही थी जिसको दर्द होने पे मुझे दर्द होता था, तुमने वो एहसास मार दिया। अलविदा मिस ज़ैनब।
क्या हो रहा है? अपने भाई को संभालो समझी, बोलो उसे कि ज़ैनब से दूर रहे। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, मैंने उज़ान से बात करी है, वो उससे दूर रहेगा। ज्यादा भोली मत बनो, मुझे सब पता है। तुम्हारा भाई कल हमारे घर आया था, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर दोबारा वो ज़ैनब के आसपास दिखा तो ठीक नहीं होगा, फिर मत कहना मुझसे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उनका अफेयर खत्म हो चुका है। तुम्हें जो भी दिक्कत है वो मुझसे है। मेरी बहन को इससे दूर रखो और मेरे परिवार से दूर रहो। तुम्हारे सामने एक नया केमल खड़ा है। केमल, ठीक है, पहले शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। जो भी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसका सामना पहले मुझसे होगा, चाहे वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो। उजान को इसके बारे में नहीं पता, जब वो उससे मिला था उसे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। अच्छा, ऐसा है? अब तो मालूम पड़ गया ना उसे। उसे कह दो कि दूर रहे। अब से मैं चाहता हूँ कि वो ज़ैनब के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए मुझे। अगर ज़ैनब दिख भी जाए तो वो अपना रास्ता बदल ले, समझ गई? तुम फिर से मेरे परिवार की बेइज्जती नहीं करोगी, उनकी फीलिंग्स के साथ दोबारा नहीं खेलोगी। क्या वो उससे सच्चा प्यार नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, समझ गई तुम? ज़ैनब और ओजान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ और उसके दिमाग में ये पार्ट डाल दो। उसे कह दो ज़ैनब के दिमाग से ना खेले, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस यही बोलना था मुझे। हेलो, तुम क्या ज़ैनब को देखने गए थे कल? आगे जाते हुए और ये और गोल होने वाला है और ये बेहतरीन। हाँ, गया था। बधाई हो ओजान, बधाई हो, और मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं एक कंपनी से जुड़ने जा रहा हूं सर। हेलो, बोलिए। हेलो केमल भाई, मैं इस्माइल बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्शन साइट से। हाँ इस्माइल, कैसे हो तुम? सब कुछ ठीक है ना? ठीक नहीं है भाई, जैसा कि तुमने बोला था कि अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल करना। क्या हो गया बोलो? ठीक है इस्माइल, ठीक है, तुरंत काम करना बंद करो। अपने साथियों को भी बोल दो मैं आ रहा हूं। कॉस्को बिल्डिंग साइट पर चलिए। ओके सर। जल्दी मैसूर, जल्दी। जरा रुको केमाल, मुझे अपना काम करने दो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग डियर ज़ैनब, वेलकम। थैंक यू टीचर, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। उस दिन तो मैं आपसे शुक्रिया भी नहीं कह पाई। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए, आपके कारण हमारा प्लेग्राउंड फिर से शुरू हो गया। मुझे शुक्रिया? एमिर आपके नाम से डोनेट करके गए हैं ना? क्या उन्होंने आपसे मेरी माँ से बात करने के लिए कहा? हाँ, उन्होंने भी। चलो इस झूले को यहाँ पर लगा दो। ठीक है मैम। थोड़ा सा और इधर कर दो। जी मैम। क्या सच में तुमने मुझे बचाया एमएर? Thank you.
अरे निहान, मैंने तुम्हें मैसेज में बोला था यहाँ मत आना। अगर मेरे परिवार में से किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो वो मुझे फिर से घर से नहीं निकलने देंगे। ज़ेनब, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछूंगी। भगवान के लिए जल्दी पूछो। तुम जब फातेह एजेंसी में थी, क्या तुम्हें कोई जॉब ऑफर आमिर की कंपनी से मिला था? नहीं, अब ये बात कहाँ से आ गई? तुम मुझे जवाब दोगी? नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। पर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुम पहले ही बोल चुकी हो मुझसे। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ आकर मेरी बात पर भरोसा मत करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ज़ेनब, आमिर को केमल के साथ मेरे अतीत पर पूरा शक है। क्या बोल रही हो? अगर आमिर तुम्हारे सामने आए तो उससे दूर हो जाना, उसके कांटेक्ट में मत आना। ज़ेनब, क्योंकि जितना तुम सोच भी नहीं सकती वो उतना खतरनाक है। इसलिए ज़ेनब, जितना हो सके उतना आमिर से दूर रहो तुम, समझी? चिंता मत करो, मैं उसे नहीं करने दूंगी। प्लीज ये बातें बस हम दोनों के बीच में ही रखना, तुम्हारे भाई से मत बोलना, ठीक है? मैंने नहीं चाहती कि वो इन सब में पड़े कभी भी। बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगी। मुझे वापस काम पर जाना चाहिए। नेहान, मुझे माफ करना, ये अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से ना ही मिले, जबकि मेरी सजा अभी खत्म हुई है। ठीक है डियर। डैड, क्या आप मुझे बाद में फोन कर सकते हैं? कैसा एक्सीडेंट? ठीक है, मैं वहां भी आता हूं। बिल्डिंग साइड चलो। क्यों गए ना, इनके हालत ठीक है? इनकी हालत कैसी है? जरा चोट लगी है, खून निकल रहा है, जल्दी करो। बहुत बुरी तरह से। पता नहीं चला कैसे सब हो गया। वहां के हालात क्या है? के वक्त वहां पे तीन लोग मौजूद थे सर, मचान पे। एक को चोट लगी। और उनकी हालत? वो घायल है सर, शुक्र है कि उसकी जान नहीं गई है। सुनिए, मेरी मदद कीजिए। ये यहां क्या कर रहा है? हम इस हादसे में बाल बाल बचे हैं, वो भी उसकी वजह से। किसी एक कर्मचारी ने उससे बात कर ली है और केमाल ने उसे सावधान भी कर लिया। और कितने लोग हैं वहां? जल्दी करो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है। आराम से, आराम से, आराम से। मिस्टर आमिर, तुमने किया है ये। स्माइल। मिस्टर आमिर, ये तुम्हारी वजह से हुआ Smile. है। ठीक है, रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए, शांत रहिए, प्लीज रुक जाइए। यही रुक जाओ। मेरी बात सुनो। देखो, मैं आमिर से फिर से बात करता हूँ, मगर आप लोग शांत हो जाइए। हाँ। प्लीज, ठीक है ना? ठीक है, है। मुझे लालची कहने वाले अपने लालच का नतीजा देखना है। देखो, देखो उनकी हालत। अपनी गलती को सुधार लो मिस्टर आमिर, या फिर तुम्हें शर्म नहीं आती जब देखो लोगों को धमकाते रहते हो तुम? ये लोग जिस चीज के हकदार हैं तुम्हें वो देना चाहिए। तुम्हारे लिए जो काम करते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तुम्हें वो देना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो,
अभी से यहाँ पे कोज़ुगलू परिवार में ऐसे ही होगा जो इसके लिए सही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सीख है तुम्हारे लिए। मेरी बात समझ रहे हो ना आमिर? ये लो, ये सब लिखित में लेबल लीडर को दो। ठीक है सर। मैं इस हादसे का भुगतान करूंगा केमाल, इसे भूलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। इस हादसे में बहुत सारे लोग मर सकते थे। अगर मरे तो नहीं ना, कोई नहीं मरा। तुम शायद माफी ही महसूस करोगे क्योंकि केमल सौदर सही था। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या इसमें कोई बात है, लेकिन तुमने मुझे मना किया और मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने आज तक तुम्हारे लिए किसी भी फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब से इस आदमी ने कैमल को बताया तो वो वहां गया और तुमने इस काम को नजरअंदाज कर दिया। तुम अपने हाथों से धीरे धीरे अब यहाँ का कंट्रोल खो रहे हो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाइए। मैंने पूरा बिजनेस तुम्हारे हाथों में दे दिया क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। पहले तो निहान के लिए तुम्हारा प्यार और फिर किसी अनजान इंसान के लिए तुम्हारी इच्छा। तुम हमेशा गलती करते हो जब तुम दिमाग की बजाय दिल से सोचते हो। तुमने केमल सौदर के खिलाफ जंग शुरू की, लेकिन अब तुम उस वक्त के लिए मेहनत करोगे जो तुम्हें लगता है कि तुमने खो दी, या फिर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, या फिर इस जंग को मैं ही खत्म कर दूंगा। थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड कंसल्टिंग कंपनीज की लिस्ट लेकर आओ। असले, मैं तुम्हें अभी एक रिपोर्ट ईमेल कर रहा हूं, तुम वो शेयर होल्डर्स को मीटिंग से पहले फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? सोचा बाहर जाने से पहले तुमसे मिल लूं। इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए, हमें जल्दी अप्रूवल का इंतजार है। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, अपने असिस्टेंट को भेज देती। तुम्हें देखने का एक बहाना मिल गया। हम सिविल सोसाइटी के लिए मेन स्पॉन्सर बन गए हैं और मुझे ये बात पता चल रही है। हाँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी। असल में मैंने उन्हें निहान के साथ काम करने की सलाह दी है, पेंटर के हिसाब से। तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे। मुझे लगा तुम्हें वो पसंद नहीं थी। हाँ, वो थोड़ी बेरुख है, पर हमारे दोस्तों के ग्रुप में रहने लायक है। मेरा मतलब, यहाँ सिर्फ तुम ही मेरे दोस्तों और कोई नहीं है। सिर्फ यही वजह है? हाँ, और क्या होना चाहिए। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुश हूं। प्रेजेंटेशन के समय वो लोग केमाल को खुश करने में कामयाब हो गए। सर, अगर आप कहते हैं तो हम लोग उस चीज पर काम करना शुरू कर दें। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सब खत्म होने के बाद मैं केमल को जेल में सड़ता हुआ देखना चाहता हूं।
मैसूद, तुम यहाँ से घर चले जाओ, ठीक है? मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा। ठीक है सर, आपका दिन शुभ हो। प्लेटफॉर्म सेट हो जाए फिर हम जाने की तैयारी करते हैं। साइज का नाप लेना जरूर, ठीक है? और कलर के कोड को लिखना मत भूलना, ठीक है ना? हाय, आप क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि दीवार पर क्या बनाना चाहिए। अगर वो गुस्सा होंगे तो? मगर मैंने उनसे परमिशन ली है। मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ पर पेंट करूँ या नहीं, और उन्होंने कहा कि आप बना सकते हो। क्या आप आर्ट टीचर हैं? हाँ, मैं पेंटर हूँ। मैं तुम्हारी भी फोटो बना सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। हाँ, ये प्रोजेक्ट यहीं पर चल रहा है। मैंने इसके लिए परमिशन ली है। लोग फालतू में काम नहीं करते हैं। हेलो, नाम क्या तुम्हारा? एलिफ। ये मेरी दोस्त है। ये वहाँ ट्रैफिक लाइट पर रुमाल बेचती है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आ, आप वो हैं? मतलब? जिनकी वजह से ये दीदी रो रही थी। मुझे लगता है ये कंफ्यूज हो गई है जरा। क्या मैंने सही पहचाना? मगर बेटा एलिफ, क्या तुम ऐसे बात करना बंद करोगी जैसे तुम बड़ी हो गई हो? चलो जाओ, अब काम करो अपना, जल्दी जल्दी। मुझे भी काम करना है, ठीक है? हाँ बताइए मिस्टर स्वाद। हेलो मिस्टर केमल, आपके लिए अच्छी खबर है। घर के मालिक ने आपको घर बेचने का फैसला किया है। उन्होंने अपना फैसला कैसे बदला? वो आपको अकेले में मिलकर बताएंगे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। हेलो, कोई है अंदर? कोई है या नहीं?
मिस्टर केमाल, मैं यहाँ हूँ, अंदर आ जाइए प्लीज। हमने सोचा कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको घर क्यों बेचूंगी। ये रही वजह, लैला। लैला मेरी बचपन की दोस्त है, हम इतने सालों के बाद मिल पाए सिर्फ तुम्हारी वजह से। लैला आप यहां कैसे? तुमने मेरे लिए कुछ और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम्हारे हिसाब से चल नहीं सकती, तो कम से कम मैं तुम्हारा साथ तो दे सकती हूँ ना। मैं तुम पर हर तरफ से नजर रख सकती हूँ। कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? हाँ सर। जी सर। कैनियन वर्कशॉप के लिए गई है? नहीं सर, वो अभी जिम से ही वापस नहीं आए। अगर ये सिर्फ सपना ही है तो मैं दुआ करती हूँ ये घर हम खरीद लें। मैं प्रार्थना करती हूँ मैं इस घर में रहूँ, इस घर में मैं केमल के साथ अपने कदम रखूँ। दाहिना पैर। कैसे?
दाहिना पैर पहले रखो। अभी नहीं, अपनी आंखें मत खोलो। मैं जब बोलूं तभी आंखें खोलना। ठीक है, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूं। यही रुको। खोलो। कैसा है? केवल मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये तुमने किराए पे लिया है? किराए पर अब तक लिया नहीं है, अपने सपनों से सजाऊंगा इसे, केमल और निहान के घर में बदलूंगा। देखो यहाँ ये अलमारी वैसी है जैसा हम चाहते थे, यहाँ पे ये चिमनी देखो, सर्दियों में हम इसके सामने लेटा करेंगे, और ये हमारा टेबल जिस पर हम बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे, खाना खाएंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, ढेर सारी चीजें करेंगे। मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, सच में। देखना मैं ये सब कुछ सच में कैसे बदलता हूँ तुम्हारे लिए। बल्कि तुम तो इसे और अच्छा बना दोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ सच में।